हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, क्लियर, तो इसमें हम देखते हैं कि यदि एक फलन दिया हुआ है y इक्वल टू ए, इस रूप में दिया हुआ है, तो हमें देखते हैं कि इसको यह जो y का मान है x के रूप में, इसका क्या इस समीकरण को संतुष्ट करता है क्या, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो dy by dx कितना हो जाएगा, a cos x plus b। फिर इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो d2 by upon डी एक्स स्क्वायर, तो कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। तो हम यहां देखते हैं कि इसका मान यह किसके बराबर होगा, आपका माइनस वाई के, तो यह इस माइनस वाई को आप पक्षांतर कर देंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल जीरो। तो यह जो y का मान है, y निर्भर किस पर, x पर, x स्वतंत्र पद है और y डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके हमने यह अवकलन समीकरण बना लिया। ठीक है, तो इसको यह कह सकते हैं कि इस अवकलन का समीकरण सॉल्यूशन y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी हो सकता है, क्लियर। अब हम यहां देखते हैं प्रश्नावली 9.2, हमको यहां पर एक अवकलन समीकरण दिया हुआ है और एक संगत फलन दिया हुआ है, हमको यह चेक करना है कि यह फलन का मान क्या अवकलन समीकरण को सत्यापित करता है। तो यहां देखते हैं कि y इक्वल टू ई एक्स प्लस वन है, तो y डैश कितना हो जाएगा, y डैश का मतलब dy by dx, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होगा, फिर हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका भी मान ई एक्स ही होगा, तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, तो वाई डबल डैश कितना है, ई एक्स माइनस ई एक्स इक्वल जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि यह इसको सत्यापित करता है, सत्यापित करता है। ओके, अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमको इसमें वाई डैश निकालेंगे, वाई डैश यानी डी वाई बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, मान टू एक्स प्लस टू, इसको पक्षांतर कर देंगे तो वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, यह आपका अवकलन समीकरण है, तो यह भी इसको सत्यापित करता है। अब हम देखते हैं कि दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकलन समीकरण के निर्माण की प्रक्रिया। तो यदि हमको एक फलन दिया हुआ है जिसमें x, y और एक अचार है, क्लियर, तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण वन को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण वन कौन सा दिया है, समीकरण नंबर वन, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको किस रूप में मिलेगा, इस रूप में प्राप्त होगा, और एक और दो को हल करके हम क्या करेंगे, a को विलुप्त करेंगे यानी a को हटा देंगे, तो हमको जो नया फलन मिलेगा उसमें x, y और y डैश होंगे, इसमें अचर राशि विलुप्त कर दी है, तो इसमें नोट कर लें कि यदि इसमें अचर राशि जितने होंगे उतने ही कोटि का अवकलन समीकरण हमको प्राप्त होगा, क्लियर। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स,
ये आपको दिया है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम, फिर इसमें हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स, और एम एक्स का मान कितने किसके बराबर है, वाई के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो, ये आपको अवकलन समीकरण प्राप्त हो गया। क्लियर, ये आपको सभी बच्चों को होमवर्क में दे रहा हूं कि प्रश्नावली 9.3 के इन क्वेश्चनों में हमको अवकलन समीकरण बनाना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन बताया उसी को बेस बना करके आप इसको डिफरेंशिएट करके इसमें से क्या करेंगे, अचर को विलोपित करेंगे और अवकलन समीकरण बनाएंगे। करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछना। थैंक यू।